अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चटोरों का अड्डा। तो क्योंकि बकरीद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना मटन मसाला की रेसिपी डाली जाए मेरे स्टाइल में, और ये बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाती है और यकीन मानिए बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इंग्रेडिएंट्स इसके कुछ इस तरीके से हैं कि 350 ग्राम्स में मटन से बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे लगेगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, मैंने लिया है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, 4 छोटे साइज की प्याज थी, 2 को मैंने स्लाइस कर लिया था कच्चा और 2 को मैंने ब्राउन कर लिया था घी और डालडा में, और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, छोटी सी जावित्री और 3 हरी इलायची ले ली है, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 4 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हमको जो ये मटन है इसको मैरिनेट करना है, इसमें सारे मसाले हमें ऐड करने हैं। तो ये चलेगा इसमें सारे सूखे मसाले, और अब इसमें जाएगा दही, तो आप देख सकते हैं दही जा रहा है इसमें। फिर इसमें जाएंगी प्याज, दोनों प्याज हमें इसमें ऐड करनी है, कच्ची वाली भी और ब्राउन वाली भी। तो अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपको मैरिनेट करना है, और जिस कुकर में आपने प्याज को ब्राउन किया था उसमें मैं बता दूं आपको कि मैंने 2 टेबल स्पून डालडा लिया था और 2 टेबल स्पून देसी घी लिया था, उसमें ही मैंने प्याज को ब्राउन किया था, और अब मैंने उसमें डाल दिए सारे खड़े गर्म मसाले। जैसे ही वो क्रैकल हुए ये मसाले के साथ मैंने अपना सारा मटन इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक बार मटन के सारे मसालों के साथ मटन ऐड कर देना है और पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देना है, और फिर उसके बाद जब अच्छे से गल जाएगा तो आपको इसको देख लेना है, एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, बोटियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। अब आपको इसको इतना भूनना है कि तेल अच्छे से ऊज आउट हो जाए, तेल मसाला एकदम सेपरेट हो जाए, और भूनने का आपके ऊपर है, जितना आप चाहें उतना भून सकते हैं, जितना अच्छे से ये भुनेगा उतना टेस्टी ये बनेगा। तो मैं भूनने का प्रोसेस आपको बस इतना ही दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि कितना डिलीशियस लग रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी सिंपल तरीके से मैंने ये मटन बनाया है, और बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है ये। आप इसको सिंपल चपाती और पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और जो पुलाव रहता है उसके साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो डालूंगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगी। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। बकरीद आ रही है तो वो लोग भी बहुत ही ईजी तरीके से इस मटन को बनाना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।